हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और मैं आज की इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको इन सब ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। ये सब ऑप्शन आपके व्हाट्सएप में होते हैं बट आपको नहीं पता होता कि ये कैसे कैसे यूज़ करने हैं और किस यूज़ में बेसिक आते हैं। यार कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इनके थ्रू अपने जो व्हाट्सएप है ना उसको थोड़ा एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। ईजिली एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले गए सबसे पहले अपन को ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इसके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है जिससे सबसे पहले आपको इसकी वीडियोज़ जो है मिले। गैस तो उन ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपन को अपना व्हाट्सएप को जो है ओपन कर लेना है। ईजिली व्हाट्सएप को मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जो व्हाट्सएप है उसको ईजिली ओपन करके यहाँ पे आपको सेट 3 डॉट दिख रहे हैं साइड में जो है उन पे टैप करके आपको सेटिंग्स में ले जाता हूँ। ठीक है, इस मैंने सेटिंग्स ओपन करने के बाद ईजिली चैट के ऑप्शन में आपको चले जाना। चैट में जाने के बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो आपको मिल जाएंगे। कैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है थीम का, इसके थ्रू आप ना अपने जो व्हाट्सएप की थीम है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे डार्क थीम करना चाहते हो, ब्लैक एंड वाइट थीम करना चाहते हो, उसके थ्रू बेसिकली आप ब्लैक एंड डार्क एंड ब्लू कर सकते हो, डार्क एंड वाइट कर सकते हो सॉरी। और जो सेकेंड ऑप्शन है ये डार्क थीम वॉलपेपर। गैस तो इसको यूज़ करने के लिए ईजिली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता ओपन करने के, और वॉलपेपर के ऑप्शन पे अपन को जो भी वॉलपेपर को सिलेक्ट करके है ना लगाना है ना वो ईजिली लगा लेना। गैस ये थर्ड जो ऑप्शन है एंटर इज सेंड का, गैस इसके थ्रू होता क्या है कि मैं आपको समझा दूँ। इस ऑप्शन को डिसेबल करने पर आप जब व्हाट्सएप में कीबोर्ड को ऑन करते हो ना तो होता क्या है कि वहाँ पे जो सबसे नीचे राइट साइड सबसे नीचे कॉर्नर में एक एंटर का बटन आता है। गैस उस जगह पर अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल, आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। देखिए गैस यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में सबसे नीचे यहाँ पे अभी एक एरो का ऑप्शन आ रहा है। अभी मैं उस सेटिंग्स को इनेबल करने के बाद अभी आपको दिखा देता हूँ। उसको इनेबल करने के बाद यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन आ रहा था वो ना डिसेबल हो जाएगा। गैस देख सकते हो मैंने ये ऑप्शन को जो है इनेबल कर दिया। इजीली इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन करना है। देख सकते हो डायरेक्टली जो सेंड का ऊपर जो बटन आता है वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है। इससे होगा क्या कि आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है इंक्रीज़ हो जाएगी, एक अच्छे लेवल तक आपकी जो टाइपिंग है फास्टेस्ट हो जाएगी। गैस इसको इनेबल करते ही आप जो कीवर्ड्स को डायरेक्टली यहाँ से सेंड करेंगे ना तो बार बार आपको फिंगर को ऊपर ले जाना पड़ता है, तो ईजिली आप नीचे से जो है सेंड कर सकते हो। दोस्तों अपना व्हाट्सएप का जो नेक्स्ट फीचर है ऑप्शन है वो है मीडिया विजिबिलिटी। दोस्तों आपको मैं इस ऑप्शन के बारे में बता दूं, ये ऑप्शन सुपर होने वाला है। दोस्तों अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप पे इमेज भेजता है, कुछ भी इमेज भेजता है, मान लो आपकी कोई प्राइवेसी वाली इमेज हुई जो कि आप गैलरी में शो नहीं करना चाहते हो, आपके ना होते हुए वो कोई सेंड कर देता है, वो डाउनलोड होने के बाद डायरेक्टली गैलरी में शो होने लगती है, तो उसका भी सॉल्यूशन है को सॉल्व करने के लिए। गैस तो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इमेज है, इसको डाउनलोड कर लिया इजीली मैंने। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि उस ऑप्शन को पहले इनेबल करेंगे तो वो इजीली आपकी जो वॉल फोटो है ना वो जो गैलरी में दिखाएगा। आप इसको डिसेबल कर देते हो तो जो डिसेबल करने के बाद ये आपकी जो भी इमेज डाउनलोड होगी ना उसे वो गैलरी में शो नहीं कराएगा। गाइस देखते हो ये कितना एडवांस लेवल का ऑप्शन है, तो आप इसको डिसेबल करके रखेंगे तो आपकी जो व्हाट्सएप की इमेजेस हैं व्हाट्सएप में ही रहेंगी। गाइस नेक्स्ट जो बता दूँ ये है फॉन्ट। गाइस ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से मैं जो फास्ट फास्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट, फॉन्ट के थ्रू आप इजीली स्मॉल और लार्ज फॉन्ट कर सकते हो। इससे व्हाट्सएप के जो सेटिंग्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो आप टाइपिंग करते हो आपका जो चैट सेशन कन्वर्सेशन होती है उसमें आपके जो है चेंजेस हो जाएंगे। तो गाइस इसको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप लैंग्वेज, इसके बारे में बेसिकली आप सबको ही बताओगे। इसके थ्रू आप ना अपने ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो हिंदी में इंग्लिश में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम या इश्यू आपको दिखता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको फॉल्ट को फिक्स करूँगा और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सुधार करके आपके लिए अपलोड करूँगा। प्लीज़ गाइस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।